तो शुरू करें साथियों। साथियों, आज ही के दिन 9 साल पहले नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री बने। 9 साल बाद आज कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री जी से 9 सवाल पूछ रहे हैं। ये सवाल राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा के समय पहले उठाया था, बार बार उठाते रहे, कोई जवाब नहीं आया सरकार की ओर से, प्रधानमंत्री की ओर से। और आज के दिन हम मजबूर हैं कि वही 9 सवाल हमें फिर से उठाना पड़ रहा है। और हम चाहते हैं कि इन 9 सवालों पर प्रधानमंत्री अपनी चुप्पी तोड़े। पहले ये डॉक्यूमेंट रिलीज करेंगे और ये है 9 साल 9 सवाल, 9 साल 9 सवाल। नौ साल 9 सवाल। Nine years 9 questions। 9 साल 9 सवाल। साथियों, जैसा कि मैंने कहा था कि बार बार राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा के समय कन्याकुमारी से लेकर श्रीनगर तक सभी राज्यों में ये सवाल उठाते रहे, पर इसका जवाब नहीं आया सरकार की ओर से और खास तौर से प्रधानमंत्री की ओर से, क्योंकि ये सारे सवाल प्रधानमंत्री से पूछे गए थे। मैं ये 9 सवाल अब गिनूंगा, दोहराऊंगा और यही मांग करूंगा कि ये 9 सवालों पर प्रधानमंत्री अपनी चुप्पी तोड़े। पहला सवाल अर्थव्यवस्था से संबंधित है। हम लोग सब जानते हैं कि हमारी देश पीड़ित है महंगाई से, बढ़ती हुई बेरोजगारी से, नोटबंदी से, पहला नोटबंदी, दूसरा नोटबंदी, गलत तरीके से GST लागू होने के बाद जो MSME खत्म किए गए हैं, और इसका पूरा नतीजा आर्थिक विषमताओं पर हमें को मिल रहा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।